बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साबिया बिलाल है और मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोमुन सेक्टाई टाउन बहावलपुर से है। एडीपी फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिक डिजाइन के आज लेक्चर नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे लाइन। व्हाट इज लाइन? लाइन डिजाइन। हमारा तमाम जो आज का लेक्चर है वो बेस करेगा एक लाइन पे, एक लाइन डिजाइन पे। लाइन इज अ पाथ ऑफ अ डॉट, पॉइंट एक्सेट्रा। बेसिकली लाइन जो है वो एक पाथ होता है, एक डॉट या एक पॉइंट। लाइन हम एक डॉट लगाते हैं और वो डॉट की कतार जो होती है वो सफर तय करती है, जो उसे लाइन कहते हैं। So space and that is always has more length than thickness. और ये काफी lengthy, length भी जितनी हम चाहें दे सकते हैं उसको, काफी जितना मोटा करना चाहें वो भी हम पे depend करता है। तो basically line एक path है, एक dot का या एक point का। Straight design, lines and rules are basically the same thing in the most common fish. Line और rules जो होते हैं, लाइन एंड रूल्स, जैसे हम कहते हैं कि लाइन एंड रूल्स जो है वो दोनों अक्सर हमारी जो कन्वर्सेशन होती है, हमारी जो थ्योरीज होती हैं, उनमें ये एक ही चीज है। अ लाइन इज मेड ऑफ अ सिंगल स्ट्रोक। इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑलमोस्ट एनी अदर ओरिएंटेशन। एंड मल्टीप्लाइड लाइन कैन नॉट एंड intersect to form patterns or purposeful grouping. जो line है वो एक simple stroke होता है, वो horizontal भी हो सकता है, vertical भी हो सकता है, orientation, multiple lines cannot and intersect from patterns. मतलब line क्या है हम बता रहे हैं, basically हम line की बार बात कर रहे हैं। तो line क्या है? लाइन वर्टिकल लाइन भी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी लाइन है, जो ओरिएंटेशन है लाइन की, जो मल्टीपल लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, जो पैटर्न बना रही हैं वो आपस में पर्पसफुल ग्रुपिंग कर रही होती हैं। लाइन इंप्लाई अ सेंस ऑफ मूवमेंट बिकॉज दे कैन नॉट पॉइंट। लाइंस कॉज योर आईज टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ सिंगल मोशन। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट इजी और जो हमारी बेसिक, हम कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन या बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाइन वो ये है कि कॉज होता है हमारे आई को ट्रेवल कराने के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ एक सिंगल मोशन में। अब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी कितना बड़ा है ये कोई आइडिया नहीं है, वो छोटा सा 1 इंच, 1 फीट और 10 फीट कुछ भी हो सकता है, वो हमारे आई को ट्रैवल कराता है एक पॉइंट ए से एक दूसरे पॉइंट बी तक। लाइन इज प्रोबेबली द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। लाइन बेसिकली क्या है? एलिमेंट ऑफ डिजाइन है। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट ऑफ डिजाइन होते हैं जिनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो बेसिक हमारे पास फंडामेंटल है, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एलिमेंट ऑफ डिजाइन लाइन है। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स हैं डिजाइन की। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइंस आर स्ट्रेट अप एंड डाउन एंड परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल लाइन। परपेंडिकुलर का मतलब होता है इक्वल होना। हमारी जो वर्टिकल लाइन है मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर होती है, उसके मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस नजर आ रही हैं वर्टिकल लाइन की। एक स्ट्रेट लाइन है, एक दो लाइन है जिनके दरमियान में गैप है, एक लाइन है जो टूटी हुई है, दूसरी लाइन क्रिस क्रॉस में है। इवन जो सर्कल सर्कल बने हुए हैं वो बेसिकली तो देखने में वो सर्कल हैं पर वो एक लाइन जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद एक डॉटेड लाइन है, अगेन एक थोड़ी थिन डॉटेड लाइन, और एक जिगजैग लाइन है जो कि
वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वो भी वर्टिकल लाइन कहलाएगी। अब आगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर स्ट्रेट अप एंड डाउन, ये होती है वर्टिकल लाइन आर स्ट्रेट अप एंड डाउन एंड परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल। इसके बारे में हम ये बात करेंगे कि ये भी स्ट्रेट अप एंड डाउन ही है एंड परपेंडिकुलर टू वर्टिकल लाइन, ठीक है, जो एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जा रही है और परपेंडिकुलर है वर्टिकल लाइन के, हॉरिजॉन्टल लाइन वो होती है। अब ये सेम वही इमेज है जो हमारे पास पहले थी, उसको उन्होंने डायरेक्शन चेंज करके रखा है और उसको हॉरिजॉन्टल इमेज तक दिया है और वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है सारी, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। Zigzag line. Zigzag line are a series of diagonal lines joined end to end. Zigzag नाम से ही जाहिर है, zigzag मतलब zig, z से बनता है जो z को direct करता है। तो तमाम वो lines जो diagonal होती हैं, zigzag में होती हैं, वो join करती हैं end to end। आपके सामने image में आपको नजर आ रहा होगा end to end zigzag lines, जिसमें बहुत सारी thick, thin, बड़ी, छोटी, horizontal, vertical, काफी ज़्यादा zigzag में lines आप लोगों को नजर आ रही हैं। उसके बाद है diagonal line. Diagonal lines are lines that straight in any direction except vertical or horizontal. Look at this. कि अगर एक line vertical है तो वो वर्टिकल लाइन कहलाएगी, अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो वो हॉरिजॉन्टल कहलाएगी, पर इन दोनों डायरेक्शंस के अलावा अगर कोई लाइन किसी और डायरेक्शन में है, किसी भी, वो चाहे थोड़ी सी वर्टिकल की तरफ है, थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल है, तो वो डायगोनल लाइन कहलाएगी। तो यहाँ पर हमारे सामने सारी वही लाइन्स हैं जो हमारे पास पहले इमेजेस में थी, पर उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन थी, या तो वर्टिकल थी या हॉरिजॉन्टल थी। ये ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, तो ये कौन सी लाइन हुई? डायगोनल लाइन। कॉमन टाइप ऑफ लाइन ड्राइंग। अब हमने लाइंस तो पढ़ ली, पर ड्राइंग में हम किस टाइप की लाइंस ड्रॉ करते हैं, इन लाइंस का क्या मकसद होता है? पहली है कंटूर लाइन। अ लाइन दैट डिफाइन द एज ऑफ समथिंग इज अ कंटूर लाइन। जैसे एक लाइन है वो किसी चीज का एज डिफाइन कर रहा है, तो वो कंटूर लाइन हो गया। टू कनेक्टेड कंटूर लाइन कैन क्रिएट कॉर्नर्स। फॉर एग्जांपल, कंटूर लाइंस आर ऑफन यूज्ड टू सेपरेट द बॉडी ऑफ द वेबसाइट फ्रॉम द फुटर एंड आर यूज्ड अराउंड ऑब्जेक्ट सच एज फोटोज एज अ बॉर्डर। लाइक हम लोगों के पास एक फोटो है, उसके हम साइड में बॉर्डर होता है हमारे पास, तो उस बॉर्डर को जो अलहदा करता है तस्वीर से, एक लाइन लगा के उसको कंटूर लाइन कहते हैं। उसके बाद डेकोरेटिव लाइन। डेकोरेटिव लाइन मोस्टली हमारे पास फोटोज में भी होती हैं, हमारे पास जो इवेंट्स के कार्ड होते हैं, ये वहां पर, क्योंकि डेकोरेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे पास दिमाग में डेकोरेशन या इवेंट्स की डेकोरेशन के लिए आते हैं ना, तो उन डेकोरेशन में ये कैसे यूज होती हैं वो हम आप पढ़ेंगे। दिस स्टाइल ऑफ लाइन इज यूज्ड टू एम्बेलिश एन ऑब्जेक्ट टेक्स्ट और डिजाइन एलिमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टेक्स्ट को या किसी डिजाइन एलिमेंट को क्रिएटिव, डेकोरेटिव, एम्बेलिश्ड बनाने के लिए हम ये डेकोरेटिव लाइन यूज करते हैं। डेकोरेटिव लाइंस आर ऑफन यूज्ड फॉर एलिमेंट्स सच एज टू अंडरलाइन टेक्स्ट। मोस्टली जो हमारे पास डेकोरेटिव लाइन होते हैं वो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम लगाते हैं। जिस तरह से आप इस टाइम देख सकते हैं डेकोरेटिव लाइन के नीचे आई हैव यूज्ड अ लाइन फॉर अंडरलाइन टेक्स्ट, तो वो मैंने डेकोरेटिव लाइन अप्लाई किया। ये मैंने इमेजेस डाली हैं कुछ डेकोरेटिव लाइन। ये तमाम टाइप की जो लाइन होती हैं इन्हें हम फॉर डेकोरेशन एग्जाम्पल करते हैं। डिवाइडिंग लाइन।
a design that breaks up and defines separate part of a design and dividing line. जी सर, अब आप लोगों के सामने मुझे इमेज मैंने इसलिए यहाँ नहीं ऐड की क्योंकि आपके सामने जो आपकी स्क्रीन है वहां पर एक बहुत क्लियर डिवाइडिंग लाइन आपके सामने नजर आ रही है. मैं ये इस लाइन के बारे में बात कर रही हूँ जो एक लाइट पैरेट कलर की ग्रीन आपके सामने है. ये लाइन डिवाइडिंग लाइन, इसलिए अगर स्लाइड में आप कहीं देखें हर स्लाइड में है. यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉमन टाइप ऑफ लाइन ड्रॉइंग को सेपरेट करने के लिए दरमियान में एक डिवाइडिंग लाइन रखी गई है. ठीक है, दीज इंक्लूड लाइन बिटवीन कॉलम ऑफ टेक्स्ट और लाइन बिटवीन द मेन बॉडी ऑफ द वेबसाइट एंड साइड बार. जी बिल्कुल, इन्होंने ये कहा है कि लाइन ये क्यों बनाई जाती हैं? ये कॉलम ऑफ टेक्स्ट मतलब ये लाइन बनाई जाती हैं एंड लाइन बिटवीन द मेन बॉडी. दिस इज द मेन बॉडी, ये हमारे पास मेन बॉडी है जिसमें हमारे पास मेन जो टेक्स्ट है. दिस इज द मेन टेक्स्ट, कॉमन टाइप ऑफ लाइन ड्रॉइंग. और जो नीचे है उसके वो है द मेन वो सॉरी ऑफ द वेबसाइट, मेन बॉडी ऑफ द वेबसाइट. और जो नीचे है वो है साइड बार. ये अब कुछ टाइप की डिवाइडिंग लाइन वैसे होती है, कुछ डिवाइडिंग लाइन ये होती है. हम हमेशा देख रहे होते हैं अक्सर हमारे ड्रेसेस में भी ये एक सीजर होती है और ये डॉटेड लाइन आई होती है. हमारे पास काफी हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे भी ये बने होते हैं. इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स, एक मेन एक साइड बार. या अगर दोनों हम मेन और साइड बार ना भी कहें तो भी ये दो हिस्सों को एक साथ एक चीज को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए यूज होती है. Implied line. Sometimes a line is not really a line at all. Okay, but you know it is there. This is an implied line. It is created when objects and elements fall in alignment in a way that creates a line of its own. मतलब कुछ कभी कभी line जरूरी नहीं है line हो. But you know it is there. मतलब आपको पता है कि वो लाइन है पर वो बेसिकली लाइन नहीं होती, वो इम्प्लाइड लाइन होती है. जब वो तब क्रिएट होती है जब ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स जो हैं वो एक साथ एक अलाइनमेंट में क्रिएट किए जाते हैं. अ रॉ ऑफ मेन्यू आइटम ऑन अ वेबसाइट फॉर एग्जांपल क्रिएट अ लाइन, दिस इज कॉल्ड अ एक एक्चुअल लाइन मैंने लगाई है और एक साइड पे इम्प्लाइड लाइन है जिसमें डॉट्स जा रहे हैं. ये इंप्लाइड लाइन है, बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन नहीं है पर वो डॉटेड के थ्रू एक लाइन क्रिएट कर दी है. अगेन अ डॉटेड लाइन, अगेन इतनी बड़ी बड़ी जो हमारे पास एक रिदम है लाइन्स की, जो हमारे पास म्यूजिक का रिदम होता है उसको क्रिएट किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई जस्ट लव दिस एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 7 उसको इस तरह से अरेंज किया गया है कि वो एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं. तो दिस इज इंप्लाइड लाइन. अगेन जो हमारे पास खंबे होते हैं उनकी एक कतार बनाई गई है उसे भी इंप्लाइड लाइन. उसके बाद है साइचिन लाइन, एलिमेंट्स दैट कॉज द आई टू क्रिएट अ मोशन लाइक अ लाइन वुड आर कंसीडर्ड साइचिन लाइन. एंड एरो पॉइंटिंग एट अनदर ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इज अ साइचिन लाइन बिकॉज इट कॉजेस यू टू लुक एट समथिंग फॉलोइंग द पाथ एंड लाइन अ लाइन वुड क्रिएट. मतलब डायरेक्शन के लिए जो हम लाइन यूज करते हैं, लाइक मैं अगर आपको पॉइंट कर रही हूँ, ठीक है, मैं पॉइंट कर रही हूँ इधर, मैं पॉइंट कर रही हूँ उधर, मैं एरो बना के पॉइंट कर रही हूँ, तो वो साइचिक लाइन है. अब हम लाइन पे बात कर ली पर हमारा डिजाइन में लाइन की क्या जरूरियात है, क्या अहमियत है, वो देखना हमें बहुत जरूरी है. अब उसके लिए हम कुछ डिजाइन के हम एलिमेंट देखेंगे